इन दिनों शादीशुदा महिलाओं को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया है और कौन सा सूखा नशा कर ली है कि वो अपने घर को छोड़कर लगातार प्रेमियों के साथ फरार हो गई है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं Time 24 BR। जैसे ही पाकिस्तान की सीमा हैदर और उत्तर प्रदेश की ज्योति मोरिया ने अपने पति से दगाबाजी क्या की कि भारत में एक ट्रेंड चल गया है और लगातार जो है वो महिला अपने बसे बसाए घर को छोड़कर दूसरे लड़के के जाल में फंस जा रही है और अपनी ज़िंदगी को खाई में धकेल रही है, और उस महिला को इस बात की भी खबर नहीं होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। आए दिन आप सोशल नेटवर्क पर और ख़बरों पर देखते होंगे कि महिला प्यार के जाल में फंस तो जाती है लेकिन बाद में उसका जो अंजाम होता है वो बड़ा खौफनाक और दर्दनाक अंजाम होता है। अभी जो एक ताज़ा मामला सामने आया है, एक रेवती रानी नाम की लड़की है, उसे स्टूडियो वाले से प्यार हो गया और स्टूडियो वाले के साथ ही जीने मरने की कसमें खा रही है और अपनी ज़िंदगी पति को छोड़कर स्टूडियो वाले के साथ बिताना चाह रही है। रेवती रानी से सीधी बात करते हैं हम। ये बताइए, पति पसंद नहीं था क्या आपको? नहीं, नहीं पसंद था। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? 4 साल पहले। 4 साल पहले? और 4 साल में पसंद ही नहीं आया आपको? नहीं, नहीं पसंद आया। बच्चे बच्चे हैं आपके पास? नहीं, जब उसके साथ रहना है नहीं तो बच्चा क्या करेंगे हम। 4 साल से ही दगा दे रही थी क्या? हाँ, 4 साल से इसको हम नफरत कर रहे थे। क्या करते थे पति आपके? राजमिस्त्री के लाइन में है और हमेशा यूपी में रहते हैं, घर नहीं आते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं, दूसरों का घर बनाते हैं, उनका घर उजाड़ रही हैं। तो क्या करे, जब वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, हमसे दूर रहता है तो कौन रहेगा आजकल? आजकल साथ में रहते हैं ना, शादी करते हैं तो काम काज के लिए तो बाहर जाएंगे ही। कोई जरूरी है कि हमेशा आपके साथ ही रहें वो? तो फिर बीवी का देखना भी जरूरी है ना। क्या आपको पैसे नहीं देते? आपको क्या वो आपका जो जरूरत होता था वो तो नहीं पूरा करते थे क्या? कुछ नहीं पूरा करता है। तो आप स्टूडियो वाले से ही प्यार कर बैठी? हाँ, हम स्टूडियो वाले से प्यार कर बैठे। क्यों, वजह? वजह यही है कि ये ने मुझे पसंद किया और मैंने इसका पसंद किया, बस मुझे प्यार हो गया, बस इसी के लिए छोड़ के आ गए इसके पास। कैसे जान पहचान हुई थी इनसे? इससे जान पहचान हुआ जिसके स्टोरी वाला रील छोड़े थे आप यूट्यूब पे, तो हमने उसके देख के फिर मैसेंजर से कॉल किया, फिर मैसेंजर से हमको प्यार हो गया। मैसेंजर से प्यार हो गया, और जिसके साथ 4 साल बिताए उससे कोई प्यार नहीं हुआ? नहीं, उसके साथ हम प्यार नहीं किए थे। क्या नाम था पति का आपके? नंद किशोर जी। और आपका क्या नाम है? रेवती, रेवती रानी। रेवती, क्या करती हैं अभी, क्या कर रही हैं आप? अभी हम फिलहाल शूट कर रहे हैं। क्या शूट कर रही हैं आप? रील बना रहे हैं। रील बना रहे हैं? हाँ। हुआ है फेमस रील वील? हाँ हुआ है। तो आप स्टूडियो वाले के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है? पूरी जिंदगी बिताएंगे उसी के साथ। शादी कर ली है या करेंगे? नहीं, कर लिए हैं। अच्छा, कर भी लिए शादी? हाँ, शादी कर लिए। और वो पति आपके दोबारा आया नहीं? नहीं, नहीं आया। आया था पर मैंने बोल दिया कि नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। अब वो बेचारे क्या कर रहे होंगे? तो वो भी कर लेगा दूसरा। अच्छा, दूसरा कर लेगा? हम कर लेते हैं, वो भी कर लेगा। तो ये मियाँ बीबी के संबंध में रह रही हैं दोनों आदमी? शादी जब कर लिए तो रहेंगे? हाँ, शादी कर लिए तो रहे करेंगे ना। आपके परिवार वाले या आपके रिश्तेदार गांव वाले कोई कुछ नहीं बोल रहे? दुनिया वाले से हमको क्या लेना है? दुनिया वाले से कुछ नहीं? दुनिया वाले से हमको कुछ नहीं लेना है। कम से कम अपने परिवार की तो सोचनी चाहिए था। जब हम छोड़ के आ गया वो परिवार को तो हम क्या सोचे? अगर सोचना ही था तो हम वहीं रहते ना, भागना क्या जरूरी? आपके जैसे ही महिला जो है ना दूसरे महिला को खराब कर रही है। तो कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, घुट घुट के मारे ऐसे बने प्यार कर बैठे, घुट घुट के काहे मरेगा? क्यों, खाना खर्च नहीं दे रहा था वो? कुछ नहीं दे रहे थे। तो आप अपने उसके लिए तो और कुछ है ना, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को बोलती इस बात की शिकायत करती कि दूसरे उसका साथ छोड़ के दूसरे से प्यार कर लेंगे, शादी कर लेंगे? बात नहीं करने देते थे किसी से, नहीं आपके पति? हाँ, किसी से नहीं बात करने देते। किसी से नहीं करने देते थे तो ये स्टूडियो वाले से कैसे प्यार हो गया आपको? हो गया, फोन रखे थे ना, जब चला जाता काम पे छोड़ के तो किसी किसी के मोबाइल देखते थे, तो इसका स्टूडियो वाला पर नंबर लगा था तो इसी नंबर से हम कॉल किए थे। तो इसी के साथ जिंदगी बितानी है? हाँ, इसी के साथ जिंदगी बिताना है। तो स्टूडियो वाले के साथ रील बनाने की और भी कुछ कर रही हैं? रील बना रहे हैं। यही यही इसी लाइन में रहना है? हाँ, इसी लाइन में रहना है। आपके आपके जैसी जो महिला होती है उसको समाज में क्या कहा जाता है पता है आपको? क्या कहा जाता है? बड़ी गिरी नजर से देखते हैं। कुछ नहीं देखते हैं। आप ऐसे बोल रही हैं, आपको शर्म करना चाहिए था कि आपका बसा बसाया घर था उसे उजाड़ दिया। उजड़ गया, उजड़ गया, फिर बच जाएगा ना जब उसका 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 तो उजड़ गया ना, आपने तो बसा लिया ना। हाँ, तो वो भी कर लेगा ना, उसका जान थोड़ी ना हम लेके आ गए हैं, जैसे हम अपना जान लेके आ गए वो भी किसी जान से कर लेगा।
मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है आपको पता है कि कितना अटूट बंधन होता है वो? हम नहीं मनाए उसके साथ, 4 साल रहे घुट घुट के मर रहे थे हम। 4 साल में उन्होंने जरा सा भी प्यार नहीं किया? नहीं, जरा से, अगर जरा से उसके प्यार में शक्ति रहता तो हम उसी के साथ न रहते। क्या कमी थी उसके अंदर? सब कुछ कमी था। जैसे? खाना से लेके पानी तक, पानी से लेके पैसा तक, पैसा से लेके औज मौज सब से कमी था उसको। खाना पैसा औज मौज के क्या, सारा कुछ तो मिलता ही रहा होगा, आखिर 4 साल जिंदा रही आप बगैर खाए पिए ही। तरप तरप के तो जी रहे थे ना, तरप तरप के जी रहे थे। समाज में आपको कोई भला बुरा नहीं कहते हैं लोग? समाज से हमको क्या लेना है, समाज से हमको कुछ नहीं लेना है। आपके जैसी महिला को ही समाज में जो है ना गिरी नजर से और गंदे नजर से लोग देखते हैं और दूसरी महिला बदनाम होती है। देख रहे थे, देखने दो। आपकी वजह से दूसरी महिला बदनाम होती है? हाँ तो होने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, अगर फर्क पड़ता तो घर के अंदर रहते, किसी के साथ नहीं चले जाते हम। क्या नाम है जो आप जो प्यार किए दूसरे से शादी किए? स्टूडियो वाले। स्टूडियो वाले ही नाम है उसका? संजीत, संजीत जी, स्टूडियो वाले, दरभंगा जिला जी। तो ये थी रेवती रानी, सुन लिया होगा इनका बयान आपने। ऐसी ही महिला जो होती है वो समाज के अंदर गंद फैलाती है और समाज के अंदर जो लोग हैं और महिलाओं को जो शक की निगाह से देखते हैं उसका जीता जाता मिसाल है ये। बड़े दावे के साथ और बड़े जोशो खड़ोश में ये बोल रही है कि मुझे क्या लेना, मुझे समाज से क्या लेना, लेकिन इस शायद इसे पता नहीं है कि समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ बाप परिवार घर बहुत बड़ा चीज़ होता है, लेकिन सबको ठुकरा करके कि स्टूडियो वाले से प्यार कर बैठी और ये सारा कुछ जो है वो फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो सोशल नेटवर्क है वो आज के डेट में ऐसा जाल बिछा दिया है और उसके जाल में जो आए दिन जो महिला है वो फंसती जाती है और उस बाद में उसे इस बात का भी ख्याल नहीं होता है कि आखिरी में उसका अंजाम क्या होगा। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।